हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं चैप्टर सिक्स में क्या है रेखाएं एवं कोण। तो रेखा क्या है, कोण क्या है, इससे रिलेटेड मैं जितने भी डिफिनेशन है मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तब जाके मैं 6.1 को सॉल्व करूंगी, पहले उसके बारे में जान लूंगी तब मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए टॉपिक बात करते हैं कि रेखा क्या है, कोण क्या है, ठीक है। देखिए मैं नोट्स बना ली हूँ, ठीक है। आपके लिए ये नोट्स है और ये क्लास 9th के लिए है स्पेशली। वैसे तो क्लास 10th वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, जानना जरूरी है, ये बेसिक टर्म्स है। तो मैं नोट्स बना ली हूँ कि क्या आपको इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट्स वाली बातें हैं, डिफिनेशन है, उसे मैं अपने नोट्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए रेखाएं एवं कोण, तो सबसे पहले बात आती है कि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक टर्म्स है, आपको कुछ भी नहीं पता है, एकदम बेसिक से ही बता रही हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रेखा लाइंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो जिसकी दो अंत बिंदु अनिश्चित हो, जैसे अनिश्चित का मतलब कि निश्चित ना हो, वो जा सकती है, बहुत दूर तक जा सकती है, जिसको हम आकलन भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना दूर तक जा सकती है, ठीक है। रेखा का मतलब वो हो गया, मतलब कि जिसके दो अंत बिंदु अनिश्चित हो। दोनों साइड हम एरो का साइन लगा देंगे। एरो का साइन लगाने से क्या मतलब हुआ कि ये जितना दूर तक हम बढ़ाना चाहें बढ़ेगी, पीछे से भी जितना दूर तक बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं, तो उसी को हम रेखा कहेंगे, मतलब लाइंस कहेंगे। तो ये एक ए और ये बी है, तो ए बी हमारा लाइन हो गया, ये इन बहुत अनंत तक बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात क्या आती है, रेखाखंड, जिसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो वैसी रेखा जिसकी दो अंत बिंदु निश्चित हो। निश्चित का मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक मापे, 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके दो अंत बिंदु निश्चित हो। तो निश्चित बिंदु के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं और अनिश्चित के लिए हम एरो का साइन देते हैं और निश्चित के लिए हम बिंदु का साइन देते हैं। तो बिंदु हम लोग कट कर लिए इतना, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, 2.1 नहीं होना चाहिए। तो ये ए भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, किरण। किरण का तो सबसे अच्छा डिफिनेशन है, आपके घर में टॉर्च होगा या मोबाइल फोन का ये लाइट, फ्लैश लाइट होगा, वो एक अच्छा एग्जांपल है रे का। तो किरण क्या कहलाता है कि वैसी बिंदु, वैसा रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित और दूसरी बिंदु अनिश्चित हो। यहां से हम टॉर्च जला रहे हैं तो दूर तक जाएगी, कितना दूर तक जाएगी कोई सीमित नहीं है, ठीक है। वो एरो की ओर तक उसको हमें एरो लगा देंगे, तो यानी कि बहुत दूर तक जाएगी, जिसका हमें आकलन नहीं है वो क्या कहलाएगा, किरण। मतलब जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु अनिश्चित हो। जैसे देखिए अनिश्चित के लिए एक पॉइंट बना रखे हैं, अनिश्चित के लिए एरो लगा दिए हैं, दूर तक जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो वैसा बिंदु, वैसा तो मैं डिफिनेशन लिख दी हूँ, तो डिफिनेशन को ही पढ़ दी हूँ। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे देखिए एक रेखा है, रेखाखंड, ठीक है। देखिए इसमें दो रेखा और रेखाखंड दोनों का डिफिनेशन हो गया, ये रेखा हो गया, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, और ये पॉइंट, ये एक रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ एक रेखा हो गया, ठीक है। तो लिखा है कि एक रेखा पर 2 से या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। देखिए ए एक रेखा हो गया और एक्स और वाई एक रेखा हो गया, ठीक है। और इस पे बिंदु देखिए एक ये स्थित है, एक ये स्थित है, एक ये स्थित है, और भी बिंदु स्थित हो सकते हैं, मतलब एक ही रेखा पर है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट, संरेखी बिंदु। और असंरेखी बिंदु इसी का उल्टा हो जाएगा कि एक रेखा पर वो पॉइंट नहीं रहेगा। देखिए जैसे इसका हो गया, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो ये असंरेखी बिंदु है ना।
या तो कह सकते हैं कि एक रेखा पर है, ठीक है, एक रेखा है पर दो या एक बिंदु है, एक बिंदु है तो वो असंरेखी कहलाएगा, ठीक है। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो वो संरेखी कहलाएगा, और उससे कम होंगे तो असंरेखी कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, आप ना स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट्स बनाते जाएं, आपको बहुत यूज होगा इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, कोण। कोण के बारे में पढ़ना जरूरी है, रेखा एवं कोण, ये चैप्टर ये रेखा एवं कोण। तो कोण जिसको हम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, तो देखिए जब दो किरण एक कॉमन बिंदु पर मिलते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए मेरा हाथ किरण है, ये भी हाथ मेरा किरण है, और दो किरण एक ही बिंदु पर, ये यहाँ जो मिल रहे हैं ये कॉमन पॉइंट है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे मैं आपको पेन के थ्रू बता रहे हैं, देखिए एक ये किरण है, एक ये किरण है, जिसका एक बिंदु निश्चित दूसरा बिंदु अनिश्चित, एक बिंदु निश्चित दूसरा बिंदु अनिश्चित, तो किरण कहलाता है। तो जब दो किरण एक पॉइंट्स पे मिलते हैं, मिल गए, ये जो मिला हुआ है पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिसको ओ से इंडिकेट करेंगे, तो दो किरण जब आपस में मिलेंगे ना एक ओ पॉइंट पे, तो उससे एक ये बनेगा, एरिया बनेगा इस टाइप का, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कोण, ठीक है। या तो फिर बोल सकते हैं कि दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोण। मतलब ये झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, झुक रहा है ना कितने डिग्री पे, तो उसे हम कोण कहेंगे। कोण आ गई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखिए कोण में भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसको हम एंगल बोलेंगे, किसको हम साइड बोलेंगे, किसे हम वर्टिक्स बोलेंगे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो देखिए ये शीर्ष है, यहाँ पे दोनों रेखा या सॉरी दोनों किरण मिल रहे हैं, ये वर्टेक्स हो गया, ये ओ जो है वर्टेक्स, मैं सारा लिख रही हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में बना सकते हैं। देखिए वर्टेक्स ओ हो गया, साइड ओ ए और ओ बी हो गया साइड, और ये एंगल हो गया, ए ओ बी एंगल हो गया। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, ए ओ बी, ए बी ओ क्यों नहीं लिखें, ए ओ बी ही क्यों लिखें। तो देखिए कहाँ पे झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ओ बिंदु पे झुकाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम बीच में लिखते हैं। कौन कौन से रेखा में, कौन कौन से किरण में, ए और बी है ना, और ओ कॉमन है, तो ए ओ बी ऐसे लिखेंगे, ए बी ओ नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि न्यून कोण क्या होते हैं, सम कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं। ये सिंपली कोण के बारे में, एंगल के बारे में बताई हमने, चलिए ठीक है, अब बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि न्यूनकोण क्या होते हैं, ठीक है, समकोण क्या होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।